फिल्म जून 414 एक हलचल भरे शहर के एक व्यापक रात के दृश्य के साथ शुरू होती है, जब एक हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर उड़ता है। एक संदेश निवासियों से एंड्रॉइड के साथ किसी भी समस्या की रिपोर्ट द वेब कॉर्पोरेशन को करने का आग्रह करता है। कहानी एक गंभीर जेल जैसी सेटिंग में सामने आती है, जहां एक आदमी एक खामोश बंदूक से लैस होकर एक कोठरी में पहुंचता है। अंदर एक रोती हुई लड़की अपने भाग्य का इंतजार कर रही है। वह भविष्य देखने की अपनी क्षमता प्रकट करती है और चेतावनी देती है कि उसकी सहायता करने वालों का दुखद अंत होगा। बिना हिले डुले आदमी सटीकता के साथ उसकी हत्या कर देता है और फिर शल्य चिकित्सा द्वारा उसकी खोपड़ी से एक सेंसर हटा देता है। एक वक्ता ने डेविड कारमाइकल को मुक्त करते हुए परीक्षण पूरा होने की घोषणा की। अब बेजान पड़ी लड़की को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। सेल से बाहर निकलते हुए डेविड का सामना जोसेफ वीट से होता है, जो विशिष्ट मिशनों के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है। एक रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कार में डेविड ने अपने लक्ष्य के मनोविज्ञान के बारे में विवरण मांगा। एक महल में ले जाया गया, डेविड का सशस्त्र गार्डों द्वारा स्वागत किया गया और उसे अंदर ले जाया गया। महल का मालिक उसे कंप्यूटर वाले एक कमरे में आमंत्रित करता है और 3 सप्ताह पहले अपनी बेटी मेलिसा वीट के लापता होने का खुलासा करता है। उसके ठिकाने के बारे में जानकारी होने का दावा करता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए एक नाजुक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एंड्रॉइड के निर्माता जून 414 के संस्थापक भी, जो एंड्रॉइड और मनुष्यों के बीच सहज संपर्क को बढ़ावा देने वाला शहर है, डेविड को अपने दृष्टिकोण का खुलासा करता है। वह अपनी रचना को समकालीन अकेलेपन की दवा के रूप में देखते हैं, जो आज की दुनिया में करीबी रिश्तों की दुर्लभता पर जोर देती है। मालिक ने उत्साहपूर्वक अपने नवप्रवर्तन के लाभों और पेचीदगियों का विवरण दिया और निश्चितता व्यक्त की कि उसकी लापता बेटी जोन 414 के भीतर कहीं है। जोन के नाजुक संतुलन को बाधित करने वाले संभावित पुलिस हस्तक्षेप के बारे में चिंतित, वह डेविड के असाइनमेंट के लिए दांव बढ़ाता है और उसे जोन तक पहुंच प्रदान करता है। 414 जेन नामक एंड्रॉइड के साथ प्रारंभिक संपर्क की दृढ़ता से अनुशंसा करते हुए दृश्य जोन 414 में स्थानांतरित हो जाता है, जहां जेन नीले बालों वाला एक शानदार एंड्रॉइड एक अंडपास को नेविगेट करता है। का समानांतर कथा में माइकल मैन जेन की उपस्थिति के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। जेन सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण करती है। एक एंड्रॉइड विज्ञापन में दिखाया गया है, जिसमें एक अमीर ग्राहक एक एंड्रॉइड साथी का चयन करता है। यद्यपि एंड्रॉइड एकदम सही दिखते हैं, ग्राहक प्यार की अभिव्यक्ति में ईमानदारी चाहते हैं और अंततः पुरुष एंड्रॉइड चुनते हैं। इस बीच डेविड कारमाइकल एंड्रॉइड सेवाओं से घिरी पीली कैब में इसकी संकरी गलियों से गुजरते हुए जोन 414 में आता है। जैसे ही डेविड शहर की खोज करता है, उसे हर जगह एंड्रॉइड का सामना करना पड़ता है और वह एक होटल के कमरे के पास पहुंचता है, जिसका स्वागत एक रोबोट की आवाज से होता है, जो विभिन्न उपहारों की पेशकश करता है। इसके साथ ही जेन एक पुरुष ग्राहक के साथ घनिष्ठता से जुड़ती है, अस्थायी रूप से उसकी खोई हुई प्रेमिका की भूमिका निभाती है। बाद में वह ग्राहक के प्रति हार्दिक भावनाओं को व्यक्त करते हुए द ऑब्जर्वर को मुठभेड़ की रिपोर्ट देती है। जून 414 में जेन को एक विकृत पुरुष आवाज से परेशान करने वाले आवाज संदेश मिलते हैं, जो उसे मारने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पर्यवेक्षक ने उसे आश्वस्त किया कि जून में ऐसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। हालांकि एक और मुठभेड़ उसके ध्यान में लाई जाती है, जो उसे भयभीत दृष्टि से रात की शहर की सड़कों पर तेजी से चलने के लिए प्रेरित करती है। घर पहुंचकर वह जल्दी जल्दी कपड़े उतारती है, एंड्रॉइड होने के बावजूद दर्द और कड़वाहट का अनुभव करते हुए अपनी परेशानी को खत्म करने का प्रयास करती है। जैसे ही जेन अपनी परेशानी से जूझती है, डेविड कारमाइकल उससे मिलने जाता है। वे मेलिसा वीट के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि वह अपने पिता के प्रभाव से बचने के लिए रोबोट बनने का नाटक कर रही है। डेविड ने जेन से उसे रोबोट के नियंत्रक रॉयल के पास ले जाने का आग्रह किया, लेकिन उसने आगे की जटिलताओं से बचने से इनकार कर दिया। घटनाओं के क्रम में डेविड उसके मुद्दों पर अपनी सहायता की पेशकश करता है। उनकी बातचीत के दौरान जेन एक रहस्यमय पीछा करने वाले, जिसे द स्ट्रिंज कहा जाता है, का धमकी भरा आवाज संदेश बजाता है, जो 3 सप्ताह से उसे परेशान कर रहा है। डेविड ने खिड़की में एक आकृति देखी और जेन को निर्देश दिया कि जब तक वह उसकी आवाज नहीं सुन लेती, तब तक वह दरवाजा न खोले। पीछा करते हुए डेविड द स्ट्रेंजर को पकड़ने में विफल रहता है, लेकिन छत पर जेन की तस्वीर वाला एक कैमरा देखता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अपराधी अब अपनी रणनीति बदल देंगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति ज्ञात हो गई है। जेन को एहसास होता है कि उसका पीछा किया जा रहा है, उसे वास्तविक डर महसूस हो रहा है। उसकी भावनात्मक गहराई स्पष्ट हो जाती है, जिससे पता चलता है कि उसके पास एक सामान्य रोबोट की तुलना में कहीं अधिक भावनाएं और संवेदनाएं हैं।
अगले दिन डेविड कारमाइकल और जेन रॉयले से मिलने के लिए निकले। प्रबंधक जेन की उपस्थिति में मामलों पर चर्चा करने के लिए अनिच्छुक हैं, उससे प्रस्थान का अनुरोध करते हैं। डेविड अधिक जानकारी चाहते हुए जेन को कमरा छोड़ने के लिए कहता है। रॉयल ने जेन के बारे में चिंता व्यक्त की, उसके जिज्ञासु स्वभाव और उसे बंद करने में असमर्थता के कारण रिप्रोग्रामिंग का सुझाव दिया। हालांकि रिप्रोग्रामिंग एक विकल्प नहीं है, क्योंकि आविष्कारक जोसेफ वीट जेन को एक अद्वितीय रचना मानते हैं। रॉयल खुद को एक विशिष्ट वर्ग का हिस्सा मानते हुए एंड्रॉयड को नियंत्रित करने वाले संपन्न व्यक्तियों से निपटने में सूक्ष्मता से अंतर्दृष्टि साझा करती है। वह डेविड को खतरे से आगाह करती है और जेन की दुर्दशा में शामिल न होने की सलाह देती है। इसके बावजूद डेविड पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है, मेलिसा वीट को ढूंढना, पैसे लेना और जोन छोड़ना। रॉयल डेविड को एक लिखित नोट प्रदान करता है जिसमें उस अगले स्टेशन का नाम और पता होता है जिस पर उसे जाना चाहिए। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है, रॉयल एक गुप्त फोन कॉल करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसकी संलिप्तता का उल्लेख किए बिना डेविड को मेलिसा वीट के स्थान के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया जाता है और उसका नाम उजागर करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती है। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर डेविड और जेन को इमारत के अंत में एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। वहां उनकी मुलाकात जॉर्ज सिथ से होती है, जिसका चेहरा एक आंख के ऊपर चोट के कारण विकृत हो गया है। जॉर्ज दिन के उजाले के प्रति अपनी त्वचा की संवेदनशीलता के बारे में बताते हुए उदास वातावरण के लिए माफी मांगता है। वह अपने साथियों हैमिल्टन और जेडन का परिचय देता है, जो फिल्म की शुरुआत में कटे और चोटिल चेहरे वाली लड़की से मिलते जुलते हैं। विनम्र मुद्रा में जेडन अपने मालिक जॉर्ज के पैरों पर घुटने टेक देता है और उस दिन को याद करना शुरू कर देता है जब मेलिसा वीट उसके गेट पर दिखाई दी थी। जॉर्ज का दावा है कि शुरू में उसे एक रोबोट समझकर मेलिसा डेविड कारमाइकल के साथ सौदा करने के बाद केवल 24 घंटों के लिए उसके साथ थी। जॉर्ज ने मेलिसा के बारे में शेष जानकारी प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन समझौते में डेविड को जेन को 2 घंटे के लिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए सौंपने की मांग की गई है। जेन को एक शानदार नमूना मानने के बावजूद जॉर्ज स्वीकार करते हैं कि पारंपरिक अंतरंगता में उनकी रुचि नहीं है, वो अधिक सूक्ष्म कृतियों को प्राथमिकता देता है। जेन इस रहस्योद्घाटन से भयभीत होकर पीछे हट जाती है और पास की ट्रे पर रखे गिलास को टटोलने लगती है। एक तेज चाल में वो कांच को तोड़ देती है, तेज धार बनाती है और जॉर्ज पर झपटती है और टूटे हुए कांच को उसके गले से लगा लेती है। वह मेलिसा वीट के बारे में पूरी सच्चाई की मांग करती है और उसे त्वरित प्रतिशोध की धमकी देती है। भयभीत जॉर्ज ये दिखावा करने का प्रयास करता है कि मेलिसा भाग गई है, लेकिन हैमिल्टन अनजाने में झूठ का पर्दाफाश कर देता है। जेन ने अपना हमला तेज कर दिया, जिससे जॉर्ज के पास मेलिसा के ठिकाने का खुलासा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। युगल जल्दी से कमरे से बाहर निकलता है और प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही कैब में चढ़ जाता है। वे मेलिसा वीट की तलाश में स्क्रैप धातु के ढेर और जंग लगे उपकरणों को छानते हुए एक कबाड़खाने की ओर जाते हैं। डेविड जेन को बाहर इंतजार करने का निर्देश देता है, क्योंकि वह अंधेरे में खोजते हुए टॉर्च के साथ एक संदिग्ध हैंगर में प्रवेश करता है। फ्रैम का ध्यान जमीन से कुछ दूरी पर लटकते मानव पैरों पर केंद्रित हो जाता है, जिससे सस्पेंस बढ़ जाता है। अचानक जेन डेविड के पीछे आ जाती है, उसकी आंखों में भय झलक रहा है। फोकस थोड़ा ऊपर की ओर जाता है, जिससे एक फंदे में लटकता हुआ शरीर दिखाई देता है, मेलिसा वीट। आतंक में जेन हैंगर से भाग जाता है और सड़क पर भाग जाता है। दृश्य एक कमरे में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी निगरानी कई वीडियो कैमरों द्वारा की जाती है, जहां डेविड से मेलिसा वीट को ट्रैक करने में उसकी सफलता के बारे में पूछताछ की जाती है। फ्रेम मेलिसा के बेजान शरीर को उजागर करता है, जो चौंकाने वाली वास्तविकता को सामने लाता है। महल में वापस डेविड उस कमरे में बातचीत में संलग्न होता है, जहां मेलिसा का शरीर एक विशेष स्टैंड पर पड़ा होता है। वह आत्महत्या के दावे का विरोध करता है और घटनास्थल पर लटकने के लिए किसी वस्तु की अनुपस्थिति पर प्रकाश डालता है। जोसेफ वीट खुद को अपने साम्राज्य का भगवान मानते हुए किसी भी जांच को खारिज कर देते हैं। उन्हें डर है कि इससे ग्राहकों का विश्वास कमजोर हो जाएगा और साम्राज्य के पतन में योगदान होगा। वीट ने डेविड को उसके राज्य को नष्ट करने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी, उसे नष्ट करने की धमकी दी। डेविड वीट को खोज के लिए भुगतान की याद दिलाता है, जो अगली सुबह तक उसके खाते में आने का वादा किया गया है। महल छोड़कर डेविड दुखी पिता को अपनी बेटी के शव के साथ अकेला छोड़ देता है। जेन रॉयल से सांत्वना चाहती है और अपनी कुछ भावनाओं को त्यागने का अनुरोध करती है।
रॉयल जेन को अनुसरण करने के लिए एक निराशाजनक पद्धति प्रदान करता है और उसे सोचना बंद करने का आग्रह करता है। जेन की बात सुनने पर सहायता का वादा करते हुए रॉयल एक सौदे का प्रस्ताव रखता है। इसके बाद जेन डेविड के होटल के कमरे में घुस जाती है और मेलिसा की हत्या करने की बात कबूल करती है, लेकिन खेद व्यक्त करती है। संशयवादी डेविड का मानना है कि जेन ने न केवल मेलिसा को बल्कि पूरे जोन सिस्टम को मार डाला, जहां लोग खुद से भागने का प्रयास करते हैं। डेविड का दावा है कि जेन और उसकी मालकिन खतरे से सुरक्षित हैं, क्योंकि उनके मालिक मालोन वीट को जांच में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे राज्य के अटल मूल्यों को बनाए रखने के लिए कुछ भी नजरअंदाज करने को तैयार हैं। बातचीत गर्म स्वर में बढ़ जाती है। जेन रक्षात्मक रूप से डेविड कारमाइकल के सार की जांच करने की कोशिश करती है, उसकी आत्मा के दर्दनाक तारों को छूती है। शुरुआत में डेविड की तुलना एक जानकार रोबोट से करते हुए, जब जेन उसके और उसकी मृत पत्नी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करती है, जिसकी मौत के लिए वो खुद को दोषी मानता है, तो डेविड हैरान रह जाता है। जैसे ही जेन डेविड की गुप्त इच्छाओं और जुनून के बारे में अपना खुलासा जारी रखती है, वो अपना आपा खो देता है और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। निडर होकर जेन कायम रहती है, अस्थायी रूप से उसकी दिवंगत पत्नी की तरह बनकर उसके द्वारा किए गए अपराध बोध को दूर करने में मदद करने की पेशकश करती है। एक पल के लिए उत्सुक होकर डेविड अपनी भावनाओं से जूझता है, लेकिन फिर जेन को गले से पकड़ लेता है और उसे दीवार पर पटक देता है। जब मालन वीट को उसके हमले की सूचना देने के बारे में सवाल किया गया, तो डेविड ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा नहीं किया, जिससे जेन को आश्चर्य हुआ। उनका दावा है कि उनका मुख्य मिशन सुरक्षा है। जेन डेविड को उस आदमी से निपटने के उसके वादे की याद दिलाती है, जो जोन छोड़ने से पहले उसे मारना चाहता है। डेविड को संदेह है कि जेन अनंत कारावास से बचने के लिए मौत की इच्छा कर सकता है। वह लाइलाज बीमारी के कारण अपनी दिवंगत पत्नी की इसी तरह की इच्छा को दर्शाता है। जब लोग मरना चाहते हैं, तो वो भावनाओं और अनुभवों की एक जटिल परस्पर क्रिया को प्रकट करते हुए महसूस करना स्वीकार करते हैं। जोसेफ वीट के कार्यालय में डेविड कारमाइकल ने उनसे उनके जासूसी कार्य के लिए हस्तांतरित $2 मिलियन के बारे में बात की। अपने तर्कों में अटल रहते हुए डेविड ने जोसेफ पर अपने शक्तिशाली भाई मालन वीट को नुकसान पहुंचाने के साधन के रूप में लड़की की मौत की साजिश रचने का आरोप लगाया। डेविड को संदेह है कि जोसेफ अपने भाई की पूर्ण छाया में काम करते हुए नियंत्रण का दावा करने के लिए मालन के पसंदीदा जेन को डराकर अनिवार्य रूप से खुद का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आरोपों से स्तब्ध जोसेफ ने एंड्रॉइड जैसी एक अस्थिर रचना का खुलासा किया, जो विभिन्न जीवित ऊतकों और तकनीकी तत्वों से निर्मित है। विचित्र दृश्य एक आसन पर खड़ा है और दर्द से सांस लेता हुआ प्रतीत होता है। जोसेफ बताते हैं कि एक बार एक लड़की ने इस राक्षसी रचना की खोज की थी, और अगर उसने इसकी सूचना अपने पिता को दी होती, तो मालोन ने अद्वितीय एंड्रॉइड प्राणियों के खिलाफ इस निंदा के लिए जोसेफ को माफ नहीं किया होता। अब जोसेफ रॉयले को फांसी पर लटकी हुई लड़की की मौत के लिए बलि का बकरा मानता है। डेविड इस बात पर जोर देता है कि जोसेफ सलाखों के पीछे है, लेकिन जोसेफ को भरोसा है कि सबूतों के अभाव में उसका भाई ऐसा नहीं होने देगा। वह संकेत देता है कि बदले में डेविड के पास कोई पैसा नहीं बचेगा। जहां तक जेन का सवाल है, जोसेफ ने अशुभ रूप से घोषणा की कि वह विचार करेगा कि उसके साथ क्या करना है। बातचीत में एक गहरा मोड़ आ जाता है। जोसेफ एक वास्तविक पागल की तरह लगने लगता है। उनकी सामना के बाद डेविड ने एक वीडियो कैमरे के सामने झूठ बोला और दावा किया कि एरिया 414 सुरक्षित है। घर लौटते हुए जेन पागल को उसका इंतजार करते हुए पाती है। वह चाकू से अपना बचाव करने का प्रयास करती है, लेकिन वह उसे रिमोट से स्थिर कर देता है, जिससे वह सुनने और महसूस करने की क्षमता को बनाए रखते हुए हिलने डुलने में असमर्थ हो जाती है। जैसे ही पागल मेज पर सर्जिकल उपकरण तैयार करता है, जेन की आंख से एक आंसू निकल जाता है, जो संकेत देता है कि कुछ गड़बड़ है। डेविड कारमाइकल उसकी सहायता के लिए दौड़ता है, लेकिन पागल को आंसू का स्वाद चखना पड़ता है और वो मालन वीट के विवरण पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की बात स्वीकार करता है। अचानक ताकत के विस्फोट में जेन मुक्त हो जाती है, फांसी पर लटकी लड़की के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है और पागल को लगातार पीटती है। एक सशस्त्र एजेंट अपार्टमेंट में प्रवेश करता है, जेन को खून से लथपथ पागल के ऊपर खड़ा पाता है। जेन जासूस से विनती करती है कि वह उसे मारकर उसके दुख को खत्म कर दे। डेविड अवसर का लाभ उठाते हुए जेन के हाथों में एक बंदूक देता है और उसे उस पागल पर तान देता है, जिससे पता चलता है कि उसने मेलिसा वीट को मार डाला है। जेन उस पागल के सिर में कई बार गोली मारने से पहले एक पल के लिए झिझकती है। डेविड ने अपनी पत्नी के लिए गोलियां खरीदने पर खेद व्यक्त किया और जेन ने निष्कर्ष निकाला कि उन दोनों को विनाश का सामना करना पड़ेगा। एक रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कार में डेविड ने खुलासा किया कि वह मेलिसा वीट का पता नहीं लगा सका,
जब वो वापस लौटा तो वो पहले से ही अपने पिता और चाचा के साथ थी। कार्रवाई महल में स्थानांतरित हो जाती है, जहां डेविड मालन वीट को उनकी व्यवस्था की याद दिलाता है। मालन ने एक नया एंड्रॉइड बनाना पूरा किया, उसे एक विग से सजाया, उसकी बेटी मेलिसा वीट। डेविड कारमाइकल की सभी झूठी गवाही की वीडियोटेप करने वाला अनुबंध अकाट्य हो जाता है। फिल्म के निष्कर्ष में अनुबंध की कीमत स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि जेन अंततः एरिया 414 के खुले द्वार के माध्यम से अपनी जेल छोड़ देती है और प्रवेश द्वार पर डेविड कारमाइकल से मिलती है।